एक को कल बुलाया मैंने। हेलो गाइज, वेलकम टू माय एमजी बुलबुल ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइज। और आप लोगों को पिछले वीडियो में पता रहेगा कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, जो कि अप डाउन हो रहा था। चार्जिंग में लगा रही थी तो चलता था, और चार्जिंग से निकालती थी ना तो वो बंद पड़ जाता था। तो इसके वजह से सोच रही थी मैं नया भी लूँ कि वो यही बनाऊँ करके। मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था जाने के लिए, इसके वजह से मैं कल शाम को गई थी सर्विसिंग सेंटर ओप्पो। उन्होंने कहा कि इसका बैटरी ख़राब हो गया, डाउन हो गया है इसका, तो इसके वजह से ये अप डाउन हो रहा है, और बैटरी नया लगाएंगे तो अच्छा चलेगा। तो उसका वारंटी था 6 महीना, तो उन्होंने बोला बैटरी ऑर्डर करेंगे। तो मैं बोली ठीक है कर दो, बैटरी नया नहीं लेंगे, जब चल रहा है तो यही चलाती हूँ करके। तो बाद में उन्होंने ऑर्डर किया बैटरी, और उसके बाद फिर से बुलाया। तो हम लोग कल गए थे शाम को, तो मैं वीडियो थोड़ा बना नहीं पाई, थोड़ा ही बनाई हूँ उधर का। और मेरा मोबाइल भी एक्चुअली बन गया, जो कि उसमें मैं शूट कर रही हूँ, और 2 दिन हुआ शॉर्ट वीडियो में इसी मोबाइल से ये कर रही थी, अपलोड कर रही थी। उधर का लॉगिन किया मेरा चैनल का यहाँ पे सब, और इसी मोबाइल में ही मैं वो पिछले वीडियो जो ब्लॉग डाला था इसी मोबाइल से, और शॉर्ट भी 2-4 गया है तो इसी मोबाइल से ही गया है। ये मोबाइल मेरा जब मैं अभी जो शूट कर रही हूँ वो मोबाइल ख़राब था, इसके वजह से इसी में ही किया था। तो अभी ये है उनका मोबाइल, तो इसके वजह से उनको भी ज़रूरत पड़ता है ना मोबाइल का, तो इसकी वजह से मैं तो चलिए। और दुर्गा पूजा भी देखने जाने वाली हूँ, तो आज नहीं जाऊँगी, लास्ट दिन में ही मैं जाऊंगी देखने के लिए। तो देखने जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी गोवा का क्या गांव में बहुत अच्छा पूजा बैठा है। तो मैं तो गांव जा नहीं पा रही हूँ, तो गाइस आप लोगों को बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि मेरे गांव में 5 मिनट का ही रास्ता है, मेरे घर के बगल में ही समझो, चल के जाएंगे तो वैसे भी 2-3 मिनट लगता ही है। वहाँ पे इतना अच्छा से डेकोरेशन करके माँ को बिठा के इतना धूमधाम से बनाते हैं दुर्गा पूजा। और हर साल जब भी हम लोग लड़की, जब मैं लड़की थी तभी मैं कलश बिठाती थी उसी जगह में, कलश बिठाती थी और पानी ले जाती थी, रावण जलाते हैं, रावण पूरा बोलते हैं, और रावण का जब भस्म करते हैं ना वो भी होता है, तो बहुत धूमधाम से बनाया जाता है मेरे गांव में दशहरा, जो कि बहुत ही सबका गांव में एक एक कुछ बड़ा पर्व रहता है, जो मेरे गांव में दशहरा का पर्व ज़्यादा बड़ा रहता है। तो नवरात्रि 9 दिन हम लोग कलश बिठाते हैं और कुछ खाते नहीं, और जो धान का, मूंग का, गेहूं का वो सबका उगाते हैं झाड़, और उसका एक ये बनाते हैं, और वो सब बच्चों का दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो किसका कितना बड़ा है, किसका कितना बड़ा है। तो वो कंपटीशन भी लगता है, और उजागर रहते हैं पूरा रात भर, उजागर रहते हैं और पूरा रात हम लोग पुराण, जो कि बामन आता है, ब्राह्मण आके पुराण पढ़ता है, और हम लोग रात भर वो पुराण में बैठे रहते हैं, और सुबह होता है तो उपास करके 9 दिन का उपास रहते हैं, खाते हैं फल मूल फ्रूट खाते हैं, तो जो जो भगवान को चढ़ता है ना वो सब हम लोग खा के वो बाद में उपास रहते हैं, और पुराण पढ़ते हैं, और अगले दिन नहा धो के अपना अपना जिसका भाई है तो उनके कलाई में हम लोग जो धान का और चावल का जो पत्ता उगा के रखते हैं ना झाड़, उसका गांठ मार के वो भाई का हाथ में हम लोग बांधते हैं, जो कि भाई का उम्र बड़ा हो जाए, और भाई के लिए भी वो करते हैं।
और भाई जीता भी बोलते हैं, तो उसी दिन रहता है हम लोगों का। तो मैं वो बहुत मिस कर रही हूँ कि मैंने भी किया था, कर रही थी। अभी बहुत साल हो गया, 14-15 साल हो जो कि मैं गांव में जा नहीं रही हूँ और ये सब नहीं कर रही हूँ। तो इसी साल ही जबकि मैं यूट्यूब में आई, जब इसी साल आई तो इसी साल ही दुर्गा पूजा पड़ा, तो इस साल ही मैंने फ़ोन करके मेरे चाहने मतलब फ्रेंड को फ़ोन करके बोली कि प्लीज़ आप थोड़ा उधर का माता रानी का थोड़ा वीडियो बना के भेजिए, और उधर का डेकोरेशन कैसे बनाए, क्या है क्या नहीं, मैं यूट्यूब में डालूँगी थोड़ा, और याद रहेगा मुझे, जब जब चाहूँगी तब तब मैं देखने के लिए मुझे मिलेगा, तो थोड़ा आप भेज दीजिए। तो उन्होंने 1-2 मिनट का वीडियो भेजा है और भी बोला है कि मैंने आपको पूरा माँ का अंदर जाके, उन लोगों को अलाउड रहता है अंदर जाके सब जो भी करना है, तो माँ का अंदर जाके मतलब भीतर जाते हैं ना पूजा करने के, माँ का पास, तो माँ के पास जाके वीडियो बना के मैं आपको भेजूंगा, तो आप बाद में आप डालिए देखिए और दर्शन भी करिए करके उन्होंने बोला है। देखते हैं उनको पॉसिबल होगा तो भेजेंगे, तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी वीडियो में। बोला तो है क्योंकि वो लोग को भी टाइम नहीं मिलता है, क्यों इतना लोगों को संभालने के लिए मतलब वही लोग रहते हैं, मेरे भाई लोग भी तब जब उसी जगह में रहते हैं तो बहुत पब्लिक आते हैं, तो उनको देखना पड़ता है ना, और मेला भी बहुत बड़ा लगता है, तो थोड़ा दशहरा का भी बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत दुखी मैं हूँ मैं कि मैं माँ को दर्शन कर नहीं पा रही हूँ। यहाँ तो दर्शन कर ही रही हूँ, कहीं पे भी दर्शन किया तो माँ तो एक ही होता है, लेकिन मैं बचपन से जहाँ गुजारी हूँ देखती थी, कलश बिठाती थी, पूजा करती थी, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे जाके बस दर्शन करके आने के लिए मिल रहा है, कलश नहीं बिठा सकती हूँ, ना ही माँ का पास जाके मैं कुछ चढ़ा सकती हूँ, ना ही मैं उजागर रह सकती हूँ, तो वो थोड़ा मुझे दुख लग रहा है। तो कितना भी कुछ करो, अपना गांव अपना ही होता है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, छोटा मोटा हो, बड़ा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे यहाँ का लोग करते हैं, वहाँ पे हमारा उधर हमारा लोग करते हैं, तो वो थोड़ा मिस कर रही हूँ और कुछ नहीं। मैं माँ को बहुत मिस कर रही हूँ, अपना गांव का पूजा को, तो और थोड़ा ही बस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना मुझे बोलना था कि मेरा मोबाइल बन गया है और मैं मोबाइल में शूट कर सकती हूँ अभी। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और अच्छा भी लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जितना चाहते हैं उतना शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जो मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, चाहे मैं बुरा बनाऊं, ख़राब बनाऊं, अच्छा बनाऊं, कुछ भी। तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है क्योंकि मैं भी अभी नई नई आई हूँ, तो कैसे ब्लॉग बनाऊँ, कैसे क्या करूँ, वो समझ में नहीं आता है। और मेरे सामने तो ऐसा कोई भी ब्लॉगर नहीं है जो मैं उनका राय ले सकती हूँ और क्या करना है क्या नहीं वो मैं कर सकती हूँ। मैं अकेली हूँ जो हूँ, मैं अकेली अपने दम में मैं जा रही हूँ आगे, और आप लोगों का सपोर्ट के बिना नहीं जा सकती हूँ। आप लोग ऐसे सपोर्ट करिए, और आपका मर्ज़ी, आपको करना है ना करना है वो आपका ऊपर, मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। जितना दिन मुझे डालना है मेरा जो सह डालने का वीडियो बनाने का, तो मैं उतना दिन करूँगी, और जिस दिन मेरा मन टूट जाएगा, मेरा मन दुखी हो जाएगा कि छी इतना करने के बाद भी कुछ व्यूज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो क्यों करने का टाइम वेस्ट खाली पीली, तो उसी दिन शायद मैं सोचूंगी छोड़ने के लिए। क्या होता है कि कुछ मेहनत करने के बाद भी कुछ फल नहीं मिलता है, तो उस मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं। कितना 1 साल देखो, 2 साल देखो, 3 साल देखो, ऐसा तो हर बार नहीं कर सकते है ना। और क्या इंटरेस्ट नहीं होगा जिस चीज़ में, उस चीज़ में जाने के लिए मन भी नहीं करता है। अभी मेरा व्यूज ही नहीं जाता है, मेरा वीडियो वायरल ही नहीं होता है, बस 20-30 आदमी ही देखते हैं, सब्सक्राइब हो गए हैं 50 तो भी देखेंगे, 20 तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए, मन भी थोड़ा दुख होता है, तो मैं ज़्यादा लंबा करूँगी नहीं वीडियो। वहाँ पे देखिए ये लोग टीवी देख देख के सो गए, और मैं बनाई थी सुबह खीर और पूरी, ये देखिए।
एक खीर बनाई थी और पूड़ी बनाई थी सुबह नाश्ते में, तो बच्चों खा के गए और मैं भी अभी खा रही हूँ। सो गाइज, मैं आ गई हूँ मोबाइल बनाने के लिए और आज लेके जाऊँगी मोबाइल। तो देख सकते हैं उधर मैं बिल बना रही थी, तो अब लेके जाऊँगी मोबाइल और घर पे मिलूँगी आप लोगों के साथ। सो गाइज, यहाँ पे जो मैडम बैठे थे ना, वो मैडम बहुत अच्छे हैं, बात बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत कम लोग हैं कि कस्टमर के साथ अच्छे से बात करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे से बात किए और समझाए भी मोबाइल कैसे यूज करना है, क्या नहीं क्या नहीं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए हम लोग क्या है, हम कंपनी को बेचते हैं वापस में, तो इधर भी बाहर देखने को नहीं मिलता है, रेती रहता है ना, रेती में डाल के उसको आग लगाते हैं, डायरेक्ट आग भी नहीं लगा सकते हैं उसको। तो आप रखिए तब नीचे, उसके लिए ही लेना चाहती थी, नहीं तो मुझे क्या काम। जब से जाना तो देखती हूँ मैं, जब भी आप बिल कलेक्ट करने के लिए आओगे ना, हाँ तो लेके आ जाओ। हाँ ठीक है, ये हमारा नंबर है, आने से पहले मुझे कॉल करो। आपका है ना ये? हाँ आने से पहले कॉल करो, ये लाओ आप पेपर, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बाद में अटैच करना पड़ता है। हाँ। लेकिन आप कल मुझे ये करेंगे ना व्हाट्सएप करेंगे? हाँ। नहीं आया तो भी आप मुझे कॉल करो व्हाट्सएप। आधार कार्ड दिया ना मैंने? हाँ हाँ ठीक। और ये थोड़ा फिर चालू कर दीजिए। नहीं आपको खेलने के लिए कुछ चाहिए तो आप शोरूम से ले सकते हैं। खेलने के लिए नहीं, उनको इस क्लास में असाइनमेंट भी देते हैं, तो पुराना चीज़ का इनका ज़रूरत पड़ता है, तो इसके वजह से वो बेटा मेरा बोला था मम्मी लेके आना है, मुझे ज़रूरत है, वो नाइन्थ में है ना, तो लेके जा सकते हो। लेकिन उसको मत बोलो कि उसको होल में आना चाहिए क्योंकि उसमें लिक्विड रहता है ना। कल ना पुराना चार्जर मांग रहे थे, पुराना चार्जर को निकाल के उसका अंदर का पार्ट लगाना चाहिए था, ऐसा असाइनमेंट दिया। और टीचर क्या बोलते हैं, खरीद के कुछ चीज़ भी मत कर लो, ऐसे पुराना रहता है ना, उसी में इन लोगों का ये किया बाद में आपने? तो नहीं, मैंने नहीं किया, बोला कल आज ही लास्ट डेट था स्कूल में, तो बिल में ये करना है, फोन पे करना है, नंबर ले लो नंबर। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं दुर्गा पूजा का डेकोरेशन कितना अच्छा से किए हैं। तो चलिए मैं इधर का व्यू थोड़ा दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे मेला भी लगा है देख सकते हैं, और दुर्गा माँ को भी बिठाए हैं, तो उसका अंदर तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो भी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। चलिए डेकोरेशन कितना मस्त किए हैं देखिए। और लोगों को देखिए कितना गर्दी है, माँ का दर्शन देने के लिए कितना दूर दूर से लोग आते हैं दुर्गा माँ का दर्शन के लिए। तो यहाँ देखिए, उधर हमारा दुर्गा पूजा का ये मूर्ति रखे है, तो आप लोगों को दिखाती चलिए। वो देखिए, इसका अंदर माँ को रखे है, इस देखिए इसका अंदर जाएंगे तो माँ का दर्शन देखने के लिए मिलेगा। तो